और आप सड़क की स्थिति देखिए कि किस तरीके के खड्डे हो रखे हैं सड़क में। कभी कभी जो बड़ा वाहन आता है, क्योंकि सड़क ज़्यादा चौड़ी नहीं है, सड़क की चौड़ाई ज़्यादा नहीं है, तो जब गाड़ी आती है तो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अजय नेगी यूके 11 में। आज इस वीडियो को अभी बना रहा हूँ मैं, इसका मकसद क्या है, क्या उद्देश्य है इसके पीछे, एक बार फिर से एक सामाजिक मुद्दा और एक ऐसा मुद्दा जो आप सभी लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारा जीवन इससे जुड़ा हुआ है। तो अभी मैं हूँ सिमली रोड पे, मतलब कर्णप्रयाग नैनीताल रोड आप कह सकते हैं, और ये भी एक नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग की क्या स्थिति है, पहले भी आप देख चुके होंगे, मैं कुछ इस मुद्दे पे वीडियो पहले भी बना चुका हूँ और कई अन्य लोग, सामाजिक जो कार्यकर्ता होते हैं या जो सामाजिक लोग हैं, वो अपने वीडियो के माध्यम से आपको बता चुके होंगे सड़कों की दुर्दशा, सड़कों की क्या हालत है। और अभी ये यहाँ पर पार्ली विलेज है, ठीक है, और ये आगे को सिमली को रोड जा रही है। मैं इस रोड की आपको कंडीशन दिखाऊंगा। तो ये सड़क है सिमली की ओर जा रही है, मतलब नैनीताल रोड और अन्य भी इम्पोर्टेंट जगह, नेशनल हाईवे है तो मैंने आपको बताया ही है ना। और आप देखिए सड़क, देखिए खड्डे, और आगे भी देखिए आप सड़क किस तरीके की स्थिति में है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ गाड़ी जाती है। अब ये एक बड़ा वाहन है, फिर उसके बाद ये यहाँ पर से कार गई, ये कार गई, ठीक है, और भी सारी गाड़ियाँ जा रही है। लेकिन जब यहाँ से गाड़ियों का, स्पेशली टू व्हीलर्स है, छोटी गाड़ी है, उनके लिए बड़ी समस्या है। और आप सड़क की स्थिति देखिए कि किस तरीके के खड्डे हो रखे हैं सड़क में। कभी कभी जो बड़ा वाहन आता है, क्योंकि सड़क ज़्यादा चौड़ी नहीं है, सड़क की चौड़ाई ज़्यादा नहीं है, तो जब गाड़ी आती है तो लोगों को यहाँ पर बड़ा खतरा रहता है। आप देखिए, ये देखिए सड़क की स्थिति, आप किस तरीके के खड्डे हो रखे हैं सड़क में, और आप देखिए कि ये है। और जो यहाँ पर बिछाया गया था तारकोल, वो किस तरीके से उखड़ कर चूर चूर हो चुका है, आप देखिए उसकी किनारे की पट्टियाँ देखिए, ये है धरातल की सच्चाई। तो मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ गांव के कई लोग आगे जाते हैं, यहाँ पे धारा है गांव का, तो लोग पानी लेने के लिए जाते हैं, जो गांव की महिलाएं हैं, स्पेशली बुजुर्ग लोग हैं, तो कहीं ना कहीं बुजुर्ग हो जवान हो, दिक्कत बड़ी होती है, क्योंकि यहाँ पर ये एक एक्सीडेंटल टाइप का प्लेस बन चुका है। क्योंकि जो गाड़ी आती है, क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, रोड की स्थिति ऐसी है, दुर्दशा ऐसी है, कोई गाड़ी वाला आएगा तो जिस तरीके से रोड बीच में से टूटी हुई है, रोड पे क्रैक्स पड़े हुए हैं, रोड की दुर्दशा हो रखी है, तो गाड़ी का इधर उधर होना स्वाभाविक सा है। हो सकता है कि वो किसी पर चोट लग जाए, और कुछ पहले भी यहाँ पर ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं कि कई लोगों पर चोट लग गई, कई लोगों को यहाँ पर दिक्कत हुई। आप देखिए ना किस तरीके की स्थिति हो रखी है, ये देखो ये सड़क पे ये हाल है, एक पता नहीं कौन सा नक्शा बना हुआ है ये सड़क पे, पता नहीं किस देश का, किस राज्य का नक्शा बना हुआ है, वो आप ही देखिए। तो फोर व्हीलर या बड़े ट्रक या बस वाली गाड़ी के लिए तो तभी भी ठीक है, लेकिन टू व्हीलर के लिए दिक्कत है। इतने लोग इस सड़क से होकर जाते हैं, बड़े बड़े नेता और विधायक लोग इस क्षेत्र के, लेकिन सब सोए हुए हैं दोस्तों। आप यहाँ देखिए, मैं आपको ये स्थिति दिखाता हूँ यहाँ पर किस तरीके से, अगर बारिश आती है तो उसमें तो ये और भी एक खतरा वाला स्पॉट बन जाएगा। आप देखें, और झाड़ियाँ देखें किनारे, नालियों की स्थिति देखें, जो नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग, क्योंकि ये क्षेत्र नगर पालिका के अंतर्गत ही आता है, वो भी सोए हुए हैं, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है नालियों में, और ये झाड़ियाँ हैं इनको कटाने का काम सब जो है आंख बंद करके जो है चौपट हो रखा है हिसाब किताब। और ये देखिए आप, तो ये मैं क्या कहूँ इस पर, अब आप बताइए क्या कह सकता हूँ मैं। ये देखिए, ये है यहाँ पे धरातल की सच्चाई, ये बिछा रखा है, इसको देखो, तो इसको क्या करेंगे, कौन होगा इसके लिए जिम्मेदार, बताइए। जनता को जागरूक होना तो बहुत ज़रूरी है इस मामले में दोस्तों, शासन प्रशासन, विधायकगण, अन्य नेतागण, सभी जो है आंख बंद करके, मतलब आंखें तो हैं लेकिन आंखें बंद करके, मतलब मौन धारण किया हुआ है,
जनता के लिए कोई नहीं सोचता है। इतने वादे करते हैं कि हम ये कर देंगे, सड़कें अच्छी होगी, सुविधाएं मिलेगी, लेकिन देखो हर कोई सड़क पे भी चलता है तो इसको बड़ी दिक्कतें होती है। जो राहगीर लोग हैं उनके लिए तो ये एक तरीके से बहुत बुरी स्थिति बनी हुई है भाई। और शासन प्रशासन सोया हुआ है हमारा, तो कब जागेंगे भाई, कब होगा ये काम? तो मैं आगे तक दिखाता हूँ आपको, स्थिति ये यहीं पे नहीं है केवल, इधर देखिए ये पूरी स्थिति ख़राब है। ये सड़क पता नहीं कब से इसकी डेंटिंग पेंटिंग नहीं हुई है, और किनारे से लोग जो आने जाने वाले लोग हैं, माना यही व्यक्ति भी आ रहा है, तो अगर कोई गाड़ी स्पीड में आती है, क्योंकि यहाँ पे डाउन है, जिस तरीके की सड़क की स्थिति है, हमेशा जान को खतरा बना हुआ है लोगों का। लेकिन मजाल के जो शासन प्रशासन को कोई होश आए, सभी सोए हुए हैं। जैसे कई कहावत कही जाती है ना कि अंधेरी नगरी चौपट राजा वाली बात है, सब जगह वैसी स्थिति है। और कितने बार भी कई लोगों ने ये आवाज़ें उठाई, मैं देखता रहता हूँ यूट्यूब के माध्यम से भी कई सामाजिक लोग इन बातों को उठाते हैं, लेकिन जो कहते हैं ना कि कोई फर्क नहीं पड़ता। कान पे जू नहीं रेंगती है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना भी बोलें, लेकिन इतने निकम्मे और इतना गैर जिम्मेदाराना हमारा शासन प्रशासन कभी हो जाता है कई बार, कि वो जो है नहीं वो किया जाता है। ये नहीं कि यहाँ पे लोग देख नहीं रहे होंगे, ये बातें उठाई नहीं गई है, कई बार ये बातें उठाई गई होगी, कई बार संज्ञान में लाया गया होगा, लेकिन मतलब कोई समझ नहीं है। और केवल ये यहाँ की बात नहीं है, आप इस क्षेत्र में कहीं भी चले जाओ, अभी शिमली मार्केट में चले जाओ, वहाँ पे इतने बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं और इतनी गंदगी का बेहाल हो रखा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि केवल यही चीज़ नहीं, चाहे सफाई की व्यवस्था हो, चाहे सड़कों की हालत हो, जो भी संबंधित अधिकारी है उन लोगों को थोड़ा इस पर संज्ञान जरूर लेना चाहिए, और आँखें अपनी खोलनी चाहिए उनको। आँखें खुली तो है लेकिन दिमाग भी थोड़ा फ्यूज हो जाता है, तो थोड़ा माइंड को ओपन करना पड़ता है कि क्या स्थिति है आज धरातल पे। ये एक बड़ा खतरा बना हुआ है, और अभी बरसात का मौसम जस्ट स्टार्ट ही हो रहा है, और जब बरसात तेज होगी तो क्या स्थितियाँ होगी। केवल यहीं पे नहीं, मैं इसको आगे भी आपको बताऊँगा आगे की वीडियोज़ में, और यहाँ से कर्णप्रयाग के बीच की सड़कों के भी आप कभी हालत देखना कि किस तरीके की हालत है, और क्यों ये इतनी जल्दी ये सड़क इतनी बुरी स्थिति में आ गई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अब कौन इसका जिम्मेदार है? शासन प्रशासन, संबंधित अधिकारी, संबंधित लोग जिनके अंतर्गत ये चीज़ें आती है, जिनको ये ड्यूटी दी गई है सही करने के लिए, उन लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए।